नमस्कार दोस्तों, ऑल कंपैरिजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं पांच ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको नूब से प्रो बना देंगी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टिप्स हैं, ध्यान से सुन लेना। अगर ये पांचों चीजें आपने एक गेम में अप्लाई कर दी तो गारंटेड है कि आपका चिकन डिनर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कौन कौन से टिप्स हैं चलिए मैं वो आपको बता देता हूं। दोस्तों सबसे पहले टिप नंबर वन में जो आती है दोस्तों, वो आती है ये कि अगर आपके घर में सप्रेसर लगा है तो किसी भी दीवार के पीछे ना खड़े हों कैंप करके, ना ही सीढ़ी में अपनी गन को मतलब ऐसे खड़ा करें कि मतलब गन का जो सप्रेसर है वो दीवार से टच हो। क्योंकि अगर गन का सप्रेसर दीवार से टच हो रहा है तो जो बाहर का एनिमी होगा वो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है बहुत ही जल्दी मतलब पता लगा ले, क्योंकि जो सप्रेसर होता है वो दीवार से आर पार दिखाई देता रहता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आप बहुत जल्दी मारे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब टिप नंबर दो जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो दोस्तों ये है कि अगर ओपन में कभी फाइट हो रही है और आपके सारे टीममेट नॉक हो गए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो बंदा मतलब बचा हुआ है वहां पर आप स्मोक जरूर डाल दें, लेकिन रिवाइव करने की गलती ना करें। सबसे पहले उस बंदे को मारने की कोशिश करें, क्योंकि जिस बंदे ने आपके टीम को मारा है वो सिंपल सी बात है कि वो वहीं पे अगल बगल कहीं पे बैठा होगा कैंप किए, या फिर वो आपके टीममेट की लोकेशन देख रहा होगा, आपके आने का वेट कर रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे आने का वेट कर रहा था, जैसे ही मैं आया उसने यहाँ पे रश कर दिया और हमने उसको आसानी से मार दिया। अगर मैं कैंप कर मतलब रिवाइव करने लगता तो यहाँ पे ये मुझे आसानी से मार देता दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी आपको गलती नहीं करनी है। अब टिप नंबर थ्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, खास करके लास्ट जोन में जब इस तरह का कुछ सर्कल बन जाए दोस्तों, ठीक है, देख सकते हो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले स्मोक डाल के आगे बढ़ें, और दूसरी बात जब आपको पता चल जाए कि आप एनिमी के पास तक नहीं पहुंच सकते हैं, एनिमी के बाहर आने का वेट करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि एनिमी ऐसी लोकेशन पे होता है जहां पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, अगर पहुंचने की कोशिश भी करें तब भी हम नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में उसके बाहर आने का वेट करें या फिर जोन बनने का वेट करें। अगर बंदा किसी घर के अंदर ग्लिच करके बैठा है या फिर आपको डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कोई हैकर है या फिर कोई ग्लिच किए बैठा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसके बाहर आने का वेट करें। जैसे ही वो बाहर आएगा उस समय आप मार पाएंगे, क्योंकि उस समय आपके पास दो एडवांटेज होंगे, पहला जोन का और दूसरा आपके पास ये एडवांटेज होगा कि वो जोन से बाहर निकलेगा तो आपको पहली बार तो जोन मारेगा, दूसरी बात आपकी गोली भी उसको मारेगी, तो बहुत ज्यादा उसके मरने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। अब देखो जो अगली टिप्स आती है ये दोस्तों स्टार्टिंग के गेम में काम करेगी। स्टार्टिंग में जब हम लोग उतरते हैं तो वहां पे भैया बहुत सारे ऐसे हमारे टीममेट होते हैं जिनके पास गन ही नहीं होती है। अगर आपको दो गन मिल जाती है तो सबसे पहले अपने एक टीममेट को गन दे, और अगर आपका कोई टीममेट नॉक हो गया उसको दूसरा टीममेट रिवाइव कर रहा है तो वहां पर जब तक वो 50% तक रिवाइव में हो जाए तब तक उसे छोड़ के ना जाए, क्योंकि वहां पर हो सकता है दूसरा बंदा एनिमी रश करने की कोशिश करे, उसके रश करते ही आपको वहां पर रहना है। जैसे कि वो रश करे आप उसको पूरा फिनिश कर दें दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके सामने मतलब सामने वाली बिल्डिंग में बैठा है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे ज्यादा चांस होता है कि पीछे से थर्ड पार्टी होती है दोस्तों। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे मेरे साथ थर्ड पार्टी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास थर्ड पार्टी हो तो आप जोन में ही बैठे बैठे सबसे पहले आपको करना क्या, जितने बंदे जोन से अंदर की ओर आ रहे हैं सबसे पहले उनको मारने की कोशिश करें, और खास करके पीछे वालों, क्योंकि पीछे वाले बंदे ही सबसे ज्यादा हमें बड़ा सरप्राइज अटैक देते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये देखो इसको हमने इस टीम को आसानी से इसलिए मार दिया क्योंकि इस टीम का पूरा फोकस सामने वाली टीम पे था, हम पे नहीं था। तो ये ट्रिक को जरूर ट्राई करें दोस्तों। जो हमारी नेक्स्ट टिप्स आती है वो आती है दोस्तों उस सिचुएशन में कि अगर सामने वाला बंदा एस्टोल के लिए और आपके पास ऐसी कोई गन नहीं है जिससे आप एस्टोल के से मुकाबला कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई ऐसी गन उठाइए जिसमें आप क्लोज रेंज में फाइट ले सकें, जैसे कि ऊजी हो गया, थम्सअप हो गया, या फिर UMP9 हो गई, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अगर AKM जैसी गन को उठाने की कोशिश करेंगे तो आप अगर बंदे के मतलब सही सटीक एम भी लगा लेंगे तब भी बंदे को आप नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ऐसी जो गने होती है ना इनमें भाई गोलियां बहुत धीरे धीरे निकलती हैं, फायर रेट जो होता है बहुत कमजोर होता है दोस्तों, बहुत स्लो स्लो काम करता है। तो ऐसे में अगर आपकी दो तीन गोलियां ही निकल पाएंगे और वो बंदा तब तक आपको नॉक कर देगा, और ऐसे में अगर आपने SMG UG वगैरह उठा रखी है ना तो आराम से आप उसको मार सकते हैं, क्योंकि इनमें गोलियां बहुत फास्ट निकलती हैं। अगर आपने एक या दो बार भी मतलब अपना एम उससे बचा लिया, आपके हेड पे वो नहीं मार पाया स्टोलके वाला, तो आप उसको आसानी से खत्म कर देंगे, क्योंकि UG की भैया 25 गोलियां अगर किसी बंदे के हेड पे पड़ जाए ना तो उसको बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। तो ये चीज आप जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों आज की ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट करके बताना। उम्मीद करूंगा ऐसी वीडियो आपको जरूर पसंद आती होंगी। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आती है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम ऐसी और भी